तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कि जो आईसीआईसीआई डीमैट अकाउंट है, अगर आपने इसको ओपन कर लिया है बट अभी आपको ये पता नहीं कि इसमें हमें फर्स्ट टाइम किस प्रकार से लॉग इन करना है, इसका यूजर आईडी क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, सो इसी के बारे में आपको फुल लाइव प्रोसेस में आज बताने वाला हूँ। तो गाइस जैसे आप जो भी ऐप इसको डाउनलोड कर लेते हो, सो सिंपल सा आपको इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे, सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉग इन करने का, बट यहाँ पे भी आपको पूछ रहा है यूजर आईडी, पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ। तो जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे, साइन इन करोगे, तो सबसे पहले आपको एक जो भी ये पासवर्ड है जनरेट करना पड़ेगा। सो आपको कैसे क्या पासवर्ड क्रिएट करना है, सो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सो आपको सिंपल से जो भी यहाँ पे देख सकते हो ट्रिबल लॉग इन इन लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉरगेट पासवर्ड का, सो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे अभी ओटीपी के जरिए आपको फॉरगेट करना है या फिर बैंक अकाउंट के जरिए, तो सिंपल से हम ओटीपी रहने देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर आईडी डालना है, जो कि आपका मोबाइल नंबर रहता है, और अगर आपका कोई दूसरा यूजर आईडी है तो आपको, तो गाइस आपने जो भी ईमेल आईडी दिया होगा तो उसमें आपको यूजर आईडी देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, एंड यहाँ पे आपको पैन नंबर और जो भी एक कैप्चा है यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करना है, एंड उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो चलिए जो भी इन्फॉर्मेशन इसको मैं फिल कर देता हूँ और इसके बाद आपको आगे एक प्रोसेस दिखा देता हूँ। गाइस उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा तो उस पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करना है एंड देन सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पे भी आपको देख सकते हो जो भी आपका यूजर आईडी होगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको सिंपल सा न्यू पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद कंफर्म करना है एंड क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो भी हमारे पासवर्ड है सक्सेसफुली रिसेट हो गया है, अभी सिंपल सा वो पे क्लिक कर देते हैं। और अभी हम चलते हैं डायरेक्ट लॉग इन पे, तो चलिए हमें ऐप में लॉग इन करना है, सो हम ऐप पे आ जाते हैं अभी। तो गाइस अभी यहाँ पे आपको सिंपल से जो भी ऐप है इसमें लॉग इन करने के लिए यहाँ पे आपको यूजर आईडी इंटर करना है, पासवर्ड डालना है एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है, एंड यहाँ पे आपको सिंपल से लॉग इन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस अभी यहाँ पे आपको सिंपल से एक 6 डिजिट का एक कोड डाल देना है, कि जब भी आप साइन इन करोगे सो आपको सिर्फ जो भी 6 डिजिट का कोड है इसको इंटर करके आप आसानी से लॉग इन कर लोगे, यानी आपको हर बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे हम एक 6 डिजिट का एक कोई भी जो भी एक कोड डाल देते हैं, यहाँ पे 12356। ओके सो यहाँ पे सिंपल से मैंने एक 12356 का कोड डाल दिया है। तो और अभी यहाँ पे आपको एलो पे क्लिक कर देना है, अगर आपका जो भी मोबाइल है उसमें बायोमेट्रिक होगा तो उस पर भी आप कर सकते हो। तो चलिए इसको भी मैं एलो कर देता हूँ और एक्सेप्ट कर लेना है यहाँ पे आपको जो भी इनका टर्म्स एंड कंडीशन है। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जो भी हमारे जो आईसीआईसीआई डीमैट अकाउंट का ऐप है तो इसमें लॉग इन कर लिया है, और आप भी इसी तरीके से जो भी आईसीआईसीआई डीमैट अकाउंट है यानी जो ऐप है इसमें आप लॉग इन कर सकते हो। और बाकी का इस पे मैं एक सेपरेट ऐप वीडियो बनाऊंगा कि जो भी ये आईसीआईसीआई डीमैट अकाउंट ऐप है तो इसको आपको कैसे क्या यूज करना है, इसमें बैलेंस कैसे ऐड करना है, शेयर्स कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कैसे इंट्राडे करना है, तो जो भी ये प्रोसेस है पूरा मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो बस गाइस आज का वीडियो यही था, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए।